आपको रोड जाते हुए दिख रहा है, ये जनता डेयरी जो है ना राम मंदिर के पास जा रहा है, तो वहाँ से जो आ रहे हैं लोग तो यही रास्ते से जा रहे हैं। इधर जब जाते हैं वो ये साइड, तो वो जो है तो बाबर कॉलोनी और नेहरू नगर को मिलते हैं। ये पानी की टाकी है, जाके आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट और न्यूज़ बता रहे हैं, साथ में महानगर पालिका का स्कूल भी है। तो देख रहे हैं आप, कंटिन्यू लोगों का आना जाना है, स्कूल के बच्चे भी कुछ टाइम पहले गए और अभी भी जा रहे हैं। ये रोड बहुत बहता है, ये बादामी गली जिसे कहते हैं, जिसके नाम से ही मशहूर है। हम यहाँ खड़े थे और यहाँ की समस्या आपको बता रहे थे कि रोड भी छोटा है, साथ में बाजू नाला है, और ये कचरा भी बता रहे थे। और ये डीपी जो है, तो आप यहाँ पर आने, यहाँ के साकिन नान ने कहा कि डीपी भी बार बार फूट जाती है, जिस ग्राउंड के अंदर सामने ही आप देखें यहाँ पर पूरे रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहवासी है, इनको दिन रात कितनी समस्या और कितनी परेशानी होती हुई जो यहाँ रहते होंगे इस कचरे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब हो सकता है 2023 में इलेक्शन भी आने वाले, कोई उम्मीदवार यहाँ से आपके पास आते हैं क्या? अभी जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तो अभी तक कोई आया नहीं, शायद वो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद आप तक पहुँचे, जब तक आएंगे तो। लेकिन जब तक तो बहुत परेशानी है सर हमारी, बहुत ये जो है ना इससे बहुत तकलीफ है हमारे को। आपके पास जब भी आ सकते हैं, जब उनका वक्त होगा जब ही आएंगे, वैसा नहीं आते हो, बाकी 5 साल आप ऐसे रहेंगे, 5 साल से बस यही मुसीबत है हमारे। आज सुफियान खान, जैसा कि आपको पता है कि तामीरी मीडिया तामीरी मुहिम के तहत औरंगाबाद के घूमकर और गली गली कुछ कुछों में जाकर लोगों के मसाइल समस्या जो भी परेशानी है, कचरों की हो, डेनिस की हो, और भी तरीके की जो लाइट चली जाती है उसका काम नहीं हो पाता है, दो दो दिन लाइट नहीं आती है, उसको आपके सामने उजागर कर रहा है और बता रहा है। और हम देख भी रहे, रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि जिस जिस न्यूज़ हमने जो जो न्यूज़ आपको बताई है, जो जो समस्या आपको बताई है, रिसेंटली आपको एक वाक़ा बताता हूँ कि हमने नारेगो का जो बताए थे आपको कि नारेगो में एक डेनिस का प्रॉब्लम हो गया है, चंबर में से पानी निकल रहा है, ये हो रहा है, लोगों को वहाँ की परेशानी हो रही है, वो घर तक भी नहीं जा सकते हैं, तो उसका जो हमारा जो न्यूज़ का असर हुआ है, मुहिम आप ये मुहिम का असर हुआ है आप लोगों इससे कि आप लोगों ने इसे शेयर किया है कि उसका एक ही दिन में जो है तो काम हो गया। हमने सुबह न्यूज़ डाले थे और रात तक जो है तो कॉर्पोरेशन से अधिकारी आ गए थे और उसका काम हो गया। आप नारेगाँव में जाके देख सकते हैं फातिमा नगर में। तो इसी सिलसिले में हम आए थे तारीखी शहर औरंगाबाद के एक बहुत ही तारीखी ग्राउंड, जहाँ पर खेल कर बहुत से बच्चों का बचपन गया है, उसमें से मैं भी हूँ, जहाँ पर खेल कर हम ये रास्ते से आ जाकर हम बड़े हुए, और जो औरंगाबाद में रहते हैं वो जानते हैं हम मौजूद है गुलाबी टाकी में, हमानिया कॉलोनी के पास जो गुलाबी टाकी मैदान मशहूर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टाकी है, बहुत पुरानी पानी की टाकी है, और यहाँ पर एक स्कूल भी है आप देखेंगे साथ ही। और हम जो आपको बताने के लिए आए थे, कैमरा मैन आपके पैर से वायर वायर इधर बताइए, आपको जो हम असली हकीकत बताने आए थे यहाँ की वो है, आप इधर बताइए थोड़ा जूम करके, ये देखिए हम आपको जो बताने आए थे यहाँ की समस्या और परेशानी, ये कचरे की, यहाँ से आप देखेंगे दिन में से हज़ारों लोग आते जाते हैं, लेडीज़ आती है, बच्चे आते हैं, स्कूल को जाने वाले आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, और जो गाड़ी वाले भी आते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, और आप देख सकते हैं ये कचरा यहाँ पर ऐसे रहता है। और आप देखिए यहाँ का रोड कितना छोटा है, कैमरा मैन आवेश साहब इधर आइए, ये देखिए ये जो छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ, देखिए आप रोड कितना छोटा है, और इधर से भी नाले के साइड इधर तो वो भी टूटी है आप देख सकते हैं, और जो कम साइज़ बची है उसमें भी आधे रोड पर आधे गली में आधे रोड पर जो आप देखेंगे तो वहाँ पर कचरा आ गया है। कैमरा मैन इधर आइए ना, थोड़ा जूम करके बताइए, और साथ में देखेंगे आप ये जो पानी यहाँ पर तुम जाता है, कचरा और पानी देखेंगे आप कितनी तकलीफ होती है जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए, खास तौर पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से जाते हैं, और कुत्तों का भी यहाँ पर बहुत खतरा है आप देखेंगे ये साइड में पूरे कुत्ते। और एक आपको बात बता दूँ, जो कचरा पड़ा है ये ग्राउंड के अंदर सामने ही आप देखें यहाँ पर पूरे रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहवासी है, इनको दिन रात कितनी समस्या और कितनी परेशानी होती हुई जो यहाँ रहते होंगे इस कचरे की वजह से होने वाले जर्म्स, जिस कचरे की वजह से होने वाले मच्छर वगैरह और जितने भी बीमारियाँ यहाँ से फैलती होंगी तो सीधा ही यहाँ पर रहने वालों के। आप इधर बता सकते हैं यहाँ पर कितने घर, यहाँ पर सब घर है, हम गुलाबी टाकी में खड़े हैं औरंगाबाद के जो ग्राउंड है रहमानिया कॉलोनी का, गुलाबी टाकी का ग्राउंड से जो मशहूर है, यहाँ पर स्कूल भी है, महानगर पालिका का सब है। लेकिन हम महानगर पालिका से अपील करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे और ये कचरे का जल्द से जल्द कुछ हल निकाले, क्योंकि ये कचरा यहाँ पर ऐसे ही रहता है, आप जब भी आएंगे ये कचरा आपको यहाँ पर दिखेंगे 8 दिन 10 दिन में एक बार यहाँ पर महानगर पालिका की कचरे की गाड़ी आती है और उठाती है, लेकिन कचरा यहाँ पर ऐसे ही रहता है। और सामने भी यहाँ पर रहने के लिए लोग हैं, आप आसपास देख सकते हैं, कैमरा में इधर बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं उनके घर है और साथ में यहाँ पर स्कूल भी है महानगर पालिका का। तो जैसा कि हम आपको रहमानिया कॉलोनी के गुलाबी टाकी का नाम से जो मशहूर ग्राउंड है, जहाँ पर पानी की टाकी से मशहूर है, वहाँ का आपको कचरे की और पानी की समस्या बता रहे थे, लेकिन हमको यहाँ के साकिन नान से और एक बात पता चली कि ये जो डीपी है आप देख रहे हैं ये भी बार बार फूट जाती है, और आप देखेंगे इसके सामने ही घर है, यहाँ पर ही लोग रहते हैं। तो आइए यहाँ के साकिन नान से बात करते हैं जो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं, और वो महानगर पालिका औरंगाबाद से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए, आपका नाम? अरुण खान। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये बाजू में है आपका घर। तो हाँ जी, ये सर ये कचरा जो है ना ये बार बार उनको उठाओ बोलते हैं, उठाते भी नहीं, आते अपना 2-3 फावड़े मारते चल जाते, ये वजह से 2-3 बार तो डीपी में भी आग लग गई, कचरे से आग पकड़ लेते, तो उनको बार बार बोले कि भाई यहाँ कचरा उठा लेते जाओ, एक एक महीना 15-15 दिन आके उठाती नहीं। ये देखो ना अभी बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, स्कूल है बाजू में, स्कूल के भी बच्चे आते जाते छोटे छोटे,
वो बार बार ज़रा उनसे यही गुजारिश है कि भाई ज़रा थोड़ा इसका ध्यान रखो, इधर देखो और इसको कुछ ना कुछ बंदोबस्त करो, इसका कुंडी उंडी यहाँ पे अपना जो तो कुछ ना कुछ लगाओ कि ताकि अगर ये लोग कचरा भी डाले तो कुंडी में डाले, ये वजह से बहुत तकलीफ है हमारे को यहाँ। ठीक है, हम कॉर्पोरेशन से भी आपका आपके आपके जो मसाइल कॉर्पोरेशन के सामने रखते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब हो सकता है 2023 में इलेक्शन भी आने वाले, कोई उम्मीदवार यहाँ से आपके पास आते हैं क्या? अभी जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तो अभी तक कोई आया नहीं, शायद वो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद आप तक पहुँचे। जब तक आएंगे तो, लेकिन जब तक तो बहुत परेशानी है सर हमारी, बहुत ये जो है ना इससे बहुत तकलीफ है हमारे को। डरान आपके पास जब भी आ सकते हैं, जब उनका वक्त होगा जब ही आएंगे, हो वैसा नहीं आते हो, बाकी 5 साल आप ऐसे रहेंगे। 5 साल से बस यही मुसीबत है हमारे। जी जी, शुक्रिया। आपका नाम? शेख एहसान शेख यूसुफ जी। आप यहीं रहते हैं एहसान भाई? रहमाना कॉलोनी जी। बताइए आपको क्या परेशानी होती है? प्रॉब्लम है डेनिस का पानी, मोहम्मद मस्जिद के पास मस्जिद है, मोहम्मद मस्जिद जी जी, वहाँ से नल आते हैं ना मोहम्मद मस्जिद में, पूरे गंदे गंदे पैर जाते हैं, वो होते हैं, बहुत बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है हमारी, ये गुजारिश है। हाँ, आप ये अपील क्या करना चाहेंगे महानगर पालिका से? हम ये करना चाहते हैं कि हमारे को अच्छा वो मिले जी। हाँ, तो यहाँ के साकिनान ने आपने देखा है कि महानगर पालिका से अपील की है कि इस तरफ तवज्जा दे और जल्द से जल्द ये काम कराए, कचरा हटाए यहाँ से, क्योंकि आप इन्होंने जो बात कही है वो सही किया। आवेश भी थोड़ा इधर आइए। हाँ जी जी, आप देखिए, हटिए थोड़ा एक सेकंड, आप देखिए ये कचरा है, साथ में डीपी है, जो डीपी का भी खतरा होता है। अभी जो आपको रोड जाते हुए दिख रहा है, ये जनता डेयरी जो है ना राम मंदिर के पास जा रहा है, तो वहाँ से जो आ रहे हैं लोग तो यही रास्ते से जा रहे हैं, इधर जब जाते हैं वो ये साइड तो वो जो है तो बाबर कॉलोनी और नेहरू नगर को मिलते हैं। ये पानी की टाकी है, जाके आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट और न्यूज़ बता रहे हैं, साथ में महानगर पालिका का स्कूल भी है, तो देख रहे हैं आप कंटिन्यू लोगों का आना जाना है, स्कूल के बच्चे भी कुछ टाइम पहले गए और अभी भी जा रहे हैं। ये रोड बहुत बहता है, ये बादामी गली जिसे कहते हैं, जिसके नाम से ही मशहूर है। हम यहाँ खड़े थे और यहाँ की समस्या आपको बता रहे थे कि रोड भी छोटा है, साथ में बाजू नाला है और ये कचरा भी बता रहे थे, और ये डीपी जो है तो आप यहाँ पर आने, यहाँ के साकिनान ने कहा कि डीपी भी बार बार फूट जाती है जिसकी वजह से आग लग जाती है, और आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितने छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, खतरा कितना लाएगा। तो हम महानगर पालिका से यही अपील करते हैं कि अभी इस तरह तवज्जा दे, बड़ा कोई हादसा होने से पहले इस तरफ आए और इस तरह तवज्जा दे, अपने अधिकारियों को भेजे और जल्द से जल्द ये कचरा यहाँ से हटाए और यहाँ पर रहने वाले साकिनान के लिए एक राहत का काम करे। आप देख रहे थे तामीरे मीडिया, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान।